गया आज बस के लिए, बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में, बस बने रहें हमारे साथ और YouTube में वीडियो देखते रहें और हंसते हंसाते रहें। जय हिंद जय भारत। आज बस के लिए बस इतना ही। वेलकम बैक टू द चैनल। दोपहर को 1 बज रहे हैं और मैं जा रहा हूँ सनी के साथ खाना देने के लिए। सो हम लोग जाएंगे पद्मी और यहाँ से मिनिमम होगा 8-8 किलोमीटर है गाइस। सो गाइस 8 किलोमीटर दूर जाना, आज साइकिल से ट्रिप है। गाड़ी तो रख देता हूँ मैं, जा रहे हैं हम लोग के पास 2 साइकिल है और साइकिल से ट्रिप करने वाले हैं। मिनिमम बोलना चाहिए कितना किलोमीटर, 8 किलोमीटर है। 8 किलोमीटर मिनिमम, 10 से 15 मिनट में हम लोग का ट्रिप हो जाएगा। हम लोग की साइकिल है और ये हमारा शहर, मतलब छोटी सी कॉलोनी। हम लोग जा रहे हैं लेने के लिए लंच और देख सकते हो ये हमारा शहर। अभी शहर काफ़ी दूर है। हमारे नए मोबाइल से कुछ इस तरह की वीडियो आती है भाई। और साइकिल चलाना ना हर कोई क्या, साइकिल खड़ी ये दोनों की। हम लोग आए हैं खाना लेने जाना है। रवि भैया की दुकान पहुंच गए हैं, रास्ती लेने आए 10 वाली 20 वाली और रास्ती लेके जाएंगे तो घर में छोड़ेंगे। उसके बाद हम जाना पद्मी 5 किलोमीटर मिनिमम, कितना 8 किलोमीटर ना। हाँ। सो भाई 8 किलोमीटर दूर जाना है खाना देने के लिए। मेरा आज पहला दिन है भाई, काम छोड़ रहा है इसलिए अब मैं करूँगा, पर मज़ा आएगा भाई क्योंकि दिन में भी उसकी साइकिल चलाना है, दोपहर में भी और रात को भी। तो अभी तो रास्ते ले लेते हैं फिर चलते हैं। रवि भी आप देख नहीं रहे हो यार, रवि भी ये क्वालिटी वाली रास्ते कितने देना है इसका 2-4। हाँ हमारे रवि भाई की दुकान है, आप लोगों को सब मिल जाएगा। ओम साईं प्रोविजेंसी। क्यों रवि भैया खुश तो हैं? भैया का ना आज पहला वीडियो डल चुका है यूट्यूब में भाई, मैं ही डाला था और भैया को बोला हूँ कि आने वाले समय में भी और अच्छी वीडियो बनाओ ताकि लाइक शेयर कमेंट करते हैं लोग, बाग देखते रहें आपका। तो भैया हम लोग हाईवे में हैं, ये हाईवे रायपुर जाता है हाट। तो बोलना चाहिए तो कितना बज रहा पता, अभी अभी 1:45 हो रहा और मैं जा रहा हूँ टिफिन छोड़ने पद्मी। तो भाई मेरी साइकिल थोड़ी ना, आज साइकिल भी बनवाना है और थोड़ा बहुत काम भी करवाना। मैं और सैनी हम लोग साइकिल से बहुत साइकिल चलाते हैं भाई, इतना कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं। यदि हमको ना साइकिल रेसिंग में कोई ऐसा मौका मिलता ना तो मज़ा जाता, हमारे अलावा कोई जीत ही नहीं सकता साइकिल रेसिंग। रिवर देख सकते हो यहाँ बोर्ड लगा है और ये पुल है, काफ़ी लोग यहाँ रुकते भी हैं। आ रही रायपुर से कांकेर बस जो जबलपुर जाएगी। और मेरे पास रखा टिफिन 3 लोग का भाई, और ये पुल बहुत कुछ है यार, बहुत लोगों के लिए सुविधाजनक हो गया समझ लो। लोग दूसरे ब्रिज में पहुंच चुके हैं, पद्मी पहुंचने वाले हैं भाई। आज दिन में इतना साइकिल चला रहा हूँ, मज़ा आ गया आज। एक चीज़ बोलूँ कि हम अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ करने वाला होना चाहिए बस, क्योंकि भाई हम लोगों की जैसी ना साइकिल ना वाकई में कोई नहीं चला सकता। साइकिल रेसिंग यदि ना हमारे संपर्क में कहीं होती ना भाई तो हम लोगों के जैसी साइकिल ना कोई नहीं चला सकता। हम पलटे कम से कम, अब नया काम चालू किया हूँ तो कम से कम 50-60 किलोमीटर पलटे का साइकिल चलाने का रहेगा। तो अभी तो चलते हैं, दे देते हैं खाना, उसके बाद बाकी बात बाद में करते हैं। आ गए साइकिल से आए ना जो ना ऐसा लग रहा, दे दिए टिफिन, अब जा रहे हैं हम घर अपने। आए थे कुड़वन तक, यहाँ से मिनिमम अब देखता हूँ लोकेशन में कितना किलोमीटर दिखा रहा है। ये है हाईवे और ये मील जहाँ हम लोग आए हुए थे, तो यहाँ टिफिन छोड़ना था। ये कुड़वन में पड़ता है। अब कुड़वन यहाँ से कितने किलोमीटर है आगे भाई, फ्यूल स्टेशन है शायद, देख सकते हो काफ़ी दूर है, और ज़्यादा दूर भी नहीं, कम से कम 0.5 किलोमीटर में। साइकिल और ये मेरी साइकिल और ये हाईवे भाई, यहाँ आपको एक से एक ट्रक देखने को ज़रूर मिल जाएंगे। मैं अभी लोकेशन ट्रैक करता हूँ यहाँ से मेरे घर, मेरा घर कितना किलोमीटर पड़ता है। अब अपने घर कुड़वन, यहाँ से 7 किलोमीटर है और हम लोगों का घर मिनिमम 9 किलोमीटर। हमने साइकिल आज दोपहर को चलाया, अभी 2:08 हो रहा, तो हम लोग को पहुँचने में उतना टाइम नहीं लगेगा।
क्योंकि सट सट भगाना सनी और मैं हूँ और ये हाईवे मिली हमको दुकान कुछ ले लेते हैं 10 रुपए का यार, काफ़ी दूर से आए क्योंकि लो हाँ। तो ये हाईवे की दुकान है, आप लोगों को मिल सकती है क्योंकि हाईवे में अक्सर छोटी मोटी दुकानें खुली रहती हैं। तो अभी हम लोगों को जाना, खैरी काफ़ी दूर से आए थे, सब हमने ले लिया 5 और 5 10 रुपए का सामान, अब हम लोग जा रहे हैं। थोड़ी बहुत तो भूख मिटेगी, चल पीनट खा है कि सॉल्ट बहुत खा है हा? तो भाई रतलामी से मैं खाऊंगा, ये पीनट खाएगा। तो चलिए चलते हैं। आप लोगों को हाईवे में अक्सर छोटी मोटी दुकानें ना खुली मिल जाती हैं क्योंकि भाई कुछ लोग गरीब लोग खोल लेते हैं क्योंकि भाई उनका गुजारा चले, इसलिए। तो हम अब जा रहे हैं अपने घर। तो बहुत अच्छा लगा आज हम लोगों को भाई, 7 किलोमीटर मेरे लिए कोई मान नहीं रखता, इससे ज़्यादा तो मैं 29 किलोमीटर पर डे चलाता हूँ अपनी साइकिल को। तो बस बने रहें हमारे चैनल में, और नए तो सब्सक्राइब कर लें, और पुराने हैं तो वीडियो देखते रहें और इन्जॉय करें और कुछ नया करते रहें। अभी हमारे सामने से ओडी भाग रही थी। आप लोग गन्ना देखे हो कि नहीं देखते हो, मैं आप लोगों को गन्ना दिखा देता हूँ, ठीक है। गन्ना के खेतों में हैं हम लोग, तो हाईवे से जा रहे हैं लेकिन गन्ना लगे हैं यहाँ पे है, और जहाँ जा रहे हैं हम लोग अभी गन्ना दिखाते हैं, गन्ना की फसल दिखाते हैं। तो भैया हाँ, मैं हाईवे पीपर पानी बड़ा वाला पुल महाराज देख सकते हो भाई, बहुत ही ऊपर है, काफ़ी दूर है यहाँ से, और ये पुल भी हिलता है। और ये है नर्मदा माई, बहुत ही मस्त लग रहा, कछार देख सकते हो कितना बड़ा, पुल भी हिल रहा है। मछली कहाँ मार रहे हैं, ये मार रहे हैं, अभी मार रहे हैं अभी, अरे बाबा का बड़ी मछली मारी है रे, देखो गाइस ये देखो कहाँ फेंक दो, रख दो का साइड में पड़ी हुई चिकनी चिकनी दिख रही है। हाँ सो गाइस काफ़ी बड़ी मछली, ये दादा ए उठा लिया, देख सकते हो बहुत बड़ी मछली मारी है भाई। चलो कोई बात नहीं, अभी हम हाईवे में अब जा रहे हैं अपने घर। ये कौन सी गाड़ी है, धान वाली, धान आन जो बार नहीं करें वो वाली गाड़ी है।